कृष्ण, प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम शब्द हम सभी को मालूम है, लेकिन प्रेम वास्तविक में क्या है? प्रेम शब्द की परिभाषा क्या है? ये बड़ा अजीब सा है। इस संसार में वो प्रेम दिखाई नहीं पड़ता। प्रेम शब्द इस संसार में जो व्यवहार किया जाता है, वास्तव में वो प्रेम नहीं है, वो काम है। काम और प्रेम दोनों चीज को हम लोग मिक्स कर देते हैं। वास्तव में प्रेम शब्द का परिभाषा है, आत्मेन्द्रियो प्रीतिवांछा तारे बोली काम, कृष्णेन्द्रियो प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। जब हम ईश्वर तोषण, ईश्वर के जो प्रति हमारा विशुद्ध अनुराग, विशुद्ध प्यार, प्रीति, उसको बोलते हैं प्रेम। प्रेम एक शब्द है जिसमें अपना सुख के बारे में कोई चिंतन नहीं होना चाहिए। अपना सुख का चिंतन जहां पर है, अपना इंद्रिया तृप्ति के बारे में जहां थोड़ा सा भी प्रयास है, उसको काम शब्द कहा जाता है। काम अंधतम, काम के अंदर हिंसा देश मात्सर्य जाता है, लेकिन प्रेम निर्मल भास्कर। प्रेम शब्द ऐसा एक शब्द है जो करता है और जिसको करता है, वो दोनों में एक निर्मल संबंध तैयार कर देते हैं। हम भक्ति योगी हैं, भक्ति योग में तो प्रेम शब्द का वास्तव आलोचना, प्रेम शब्द का वास्तव व्यवहार होता है। जब हम ईश्वर के इंद्रिय तृप्ति के लिए हम काम करते हैं, ईश्वर को सुख देने के लिए हम प्रयासशील होते हैं, उसको काम बोलते हैं, उसको काम नहीं बोलते, उसको प्रेम बोलते हैं। प्रेम अर्थात जिसके अंदर कोई भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, केवल अपोजिट पार्टी, केवल ईश्वर, हम सेवक हैं, हम दास हैं, और भगवत तोषण ही हमारा काम है। भगवत तोषण परता, उसको प्रेम बोलते हैं, जिसमें अपना तोषण, अपना सुख, अपना अच्छाई का कोई गंध भी नहीं रहेगा, अपना बारे में सोचने का कोई विचार नहीं रहेगा, उसको विशुद्ध प्रेम कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस प्रेम को प्रचार किए थे। हम चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में देखते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया, कामे प्रेमे देखो भाई लक्षण ते भेद नाई, तबु काम प्रेम नहीं है। इस संसार का जो प्रेम है, उसका चिन्ह, प्रेम का जो लक्षण है, उसमें ज्यादा भेद नहीं है, भाव में भेद है। इस संसार का काम अपना दोनों का इंद्रिय तृप्ति के लिए है, एक दूसरे का इंद्रिय सुख भोगने के लिए है, लेकिन जब प्रेम शब्द व्यवहार होता है तो ईश्वर के प्रति विशुद्ध सेवा भाव, ईश्वर के प्रति उनके तोषण भाव, उनका तृप्ति के लिए, उनका सुख विधान के लिए, उनको सुखी करने के लिए, उनके प्रति जो भी क्रिया अर्पण होता है,
उनके प्रति जो भी सेवा अर्पण होता है उसी को ही प्रेम बोलते हैं। तो हम लोग इस संसार में काम और प्रेम को एक कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। वास्तव में इस संसार में जो भी है, जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, कई बार स्वार्थ नहीं है ऐसा भी दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके अंदर भी छुपा हुआ स्वार्थ होते हैं। और इसलिए इस संसार में कोई भी काम वो प्रेम नहीं कहा जाता है, उसको काम शब्द में, उसको काम शब्द का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। और ईश्वर, ईश्वर के भक्त, ईश्वर के धाम, ईश्वर के सेवा के प्रति जो निष्ठा है वो वास्तव में प्रेम शब्द उससे व्यवहार होता है, प्रेम शब्द का व्यवहार वहाँ पर होता है, और उसी को वास्तव में प्रेम कहते हैं। हरे कृष्ण।